अस्सलाम वालेकुम, तो स्वागत है दोस्तों, स्वागत है आज के व्लॉग। बड़े लोग सबके साथ हैं और अभी वो लोग आ रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मेरे पेपर वगैरह चल रहे थे, पीछे भी एक व्लॉग बना के रखा हुआ मैंने, एडिट शीडिट कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने सब कुछ करने वाला पड़ा हुआ है। तो पेपर की तैयारियां शरीर चल रही है, मैंने कुछ बनाया नहीं है क्योंकि ये क्या फूस ये आंटी क्यों बना हुआ यार ब्रो, इंसान देखो एक जैकेट पहनी और हम सेट हो गया। और ये भी मेरे जैसा है बिल्कुल, ले काम चेक करो चद्दर वाले अंकल लोग। फिलहाल हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, खाना जाकर खाते हैं और आते हैं फिर रूम चूम के अंदर और पेपर की तैयारी करते हैं। अजीब लोग और पूरी फैमिली लोग निकल चुके हैं, वो पहले से ही औरजाबाद पहुंच चुके हैं, मुझसे उन्होंने पूछना वगैरह भी नहीं किया। लेकिन फिलहाल मैं जा इनको अगर रोक लेते हैं तो फर्स्ट हम छुट्टी मारेंगे और फर्स्ट तरीक को हम लोग चुप करके आएंगे और तब तक एंजॉय करेंगे औरजाबाद जाकर। खाना शाना आ गया भाई, ओए दो दो पराठे, पराठे का ऑर्डर दो, मैं एक और पराठा खाऊंगा। और यार ये साग साग लव है, और बाकी चीजें लव होना हो साग जरूर लव है मेरा। कैसा साग है फिलहाल ये लोग जायुन और बायुन, मेरे पास पैसे नहीं होयुन, मैं गरीब होयुन, मेरे पेपर की तैयारी शरी हो गई थी, मैं पेपर लेने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर भाई कमरे के ऊपर ही वॉल पेपर शेपर लग रहे हैं, भाई जान लगा रहे हैं, सब लोग पेपर देने के लिए चले गए। मेरी भी टाइम शुरू हो गया, मैं निकलते हैं पेपर के बाहर, धुंध भी बहुत है, धुंध भी आपको दिखाता हूँ। चक्कर बार भाई धुंध चली हंसी काख नजर नहीं आ रहा। अजय साहब ने काम पे जाना है, मैंने पढ़ाई के पेपर पर देख कर आते हैं, खाना खाना खाते हैं और फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं। बड़ी कुछ तबीयत भी खराब हो पड़ी है यार, टांग में दर्द, पेट में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द। मेरा भी हमारे पेपर खत्म हुए हैं, मैं और हमारे साथ ये जनाब है, हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। फिलहाल मैं आप भी निकल जाएं, सारे अपने घरों का निकल जाओ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ फूफा की तरफ, इसको छोड़ के नियाजी अड्डे, मैं कल सुबह फूफा की तरफ से निकलूंगा क्योंकि अभी इस वक्त मुझे गाड़ी नहीं मिली औरजाबाद की और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हम लोग फुल थके पड़े, इधर मैंने बैग रखा है और यहाँ पे इतना ज्यादा बैग है, मतलब बहुत बैंड बजी पड़ी है। फिलहाल हमें जाने दो, मिलते हैं रात को। मैं फूफा की तरफ मैं पहुंच गया हूँ और दरवाजा अभी तक खुला ही नहीं है, वेट कर रहा हूँ फूफा आती है, फिर अंदर चलते हैं। बहुत थकावट हो गई, दवाई शवाई ले ली है, दवाई शवाई खाते हैं और आराम करते हैं। यार बहुत थकावट हो गई थी, मैं सोचा हूँ जाके नहाए, गर्म पानी शानी आ रहा है यहाँ पर, आराम स्कूल से नहाते हैं पीते हैं और कुछ खाने का सोचते हैं, खाना खाना क्या खाना है। नहा के भाई कमर शुमर टांगे चांगे सब कुछ टूट फूट गई है, इसलिए कहते हैं दो तीन दिन बाद नहा लेना चाहिए, मेरे तरह पाँच पाँच हफ्ते बाद नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा थकावट भी पड़ी है, अभी खाना शाना नहीं खाया, खाने खाने का कोई प्लान शान बनाते हैं, कुछ बाजार से मंगवाते हैं, कुछ बनवाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। फिलहाल अभी कोई मूड नहीं है कुछ चीज़ का, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर अब थोड़ा गर्म होगा, इतना ठंडा हो गया हूँ मैं नहा के। सुबह फिर औरजाबाद के लिए निकलते हैं। कितने की वैसे दर्द बहुत सख्त हो रही है और इनसे चला भी नहीं जा रहा, बहुत कहाँ पर बहुत ठंड लग रही है मेरे को, वॉशरूम तक नहीं जा रहा मेरे से, बैठ बची पड़ी मेरी कवर। भाई साहब अपना खाना शाना मंगवा लिया, इनका टेस्ट करते हैं कैसा चिकन, बड़ी तारीफ सुनी है इसकी, लेट्स हैव अ बाइट। वो वाकई मजा आया, तो मामा ने ऐसे तो कितनी दफा मंगाऊंगा, वो घर आके दे जाता था आराम से, चल रात के एक बजे जाते था, उसका मौसम भी थोड़ा गर्मी वाला था, रात के एक बजे जाते तो घर आके दे, दो बजे दे जाता था। कमर पस आ चुका है संडे, क्योंकि मुझे इसको खाना है मंडे को, लेकिन आज है फ्राइडे, सो हम फ्राइडे को खा रहे हैं संडे। कुछ भी तो चमचियां भी हैं, ये तो बड़ी प्यारी है, इन्होंने यार कस्टमाइज्ड डिजाइन की हुई है, तीन बंदे खा सकते हैं, ये तो मैं अकेला ही खा जाऊंगा। ए हे बॉय, ओ भाई साहब इतना छोटा, मुझे लगा था मैं पूरी फैमिली खाएगी बैठ के, ये तो सिर्फ मैं ही खाऊंगा, ये तो बहुत छोटा है। ये चीज़ें रमदा खाता है तकरीबन 100 रुपये में और मैंने खाया ये 500 रुपये में। अभी रमदा ये मेरा व्लॉग देख के मेरे को चांटे मारने का दिल करेगा रमदा का। खाया लेयर्स का पूरा ख़त्म करने के बाद मैंने ये कंक्लूजन भी निकला कि जितने इसकी हाइप है ना लेयर्स का इतना खास टेस्ट नहीं था। लेकिन जो हमने सेकेंड कप में खाया था चीज़ केक, उसका भी व्लॉग आएगा क्योंकि ये मैं न्यू ईयर के लिए स्पेशल व्लॉग बना रहा हूँ, वो इसी साल का व्लॉग है पिछला,
वो आएगा तो आप उसको ट्राई करना, लेकिन वो केक बहुत मजा का था, सेकंड कप का था, पता नहीं कौन सा नाम नहीं मुझे पता, जिस जिसने खाया उसको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन टेस्ट बहुत मजा का था। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप चेक करना, लेकिन इसका बस ओके था एवरेज, ज्यादा मजा नहीं आया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, मैं सोकर अभी उठ चुका हूँ, बाहर सुबह हो चुकी है, टाइम 8:30 हो चुके हैं, तैयार शाम में हो चुका हूँ, अब चन्ना पुप्पो को अल्लाह हाफिज़ करते हैं और हाफजा बदले निकलते हैं, पहले तो उसको समेटते हैं, सेटमेट करते हैं और फिर निकलने की तैयारी करते हैं, सामान वगैरह पकड़ते हैं। अरे बाहर ठंड है थोड़ी, पहले इसमें से टोपी शोपी निकाल लेते हैं, मुझे ब्राइटर शाइटर हमने बुलवा लिया, अंकल को भी क्या पता है कि हम भी ऐसे जलील होते हैं राइडिंग में, मेरे सारा सब एक ये पकड़ लेते हैं। और भाई ओए किधर, ओ ये पड़ा, ये चीज़ हम पकड़ लेते हैं साथ, क्योंकि बहुत ठंड है, बैंड बच जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ़िज़ आई एम कमिंग, जब तक मैं वापस आता हूँ मुझे इसका नाम भी बताओ, इसका हम कोई नाम रखते हैं अपना, लालो पाजो चीटो पीटो जो भी, इस बाइक का नाम रखते हैं और फिर इसे कंटिन्यू करते हैं आगे ड्राइविंग वगैरह। और ये हम आ चुके हैं नयादी अड्डे, हालात देखो बहुत कोई यार, आजकल धूप ही नहीं निकल रही, बट ये है कि हमें गाड़ी खड़ी मिल गई है, हाफ़िज़ाबाद के लिए निकलते हैं, इंजॉय करते हैं और आपको भी इंजॉय करवाते हैं, और सड़ाना तो सबसे पहले होता है ना, आपको सड़ाते भी हैं। बहुत सीटें खाली हैं, सीटें पूरी होती है तो आगे बढ़ के लिए निकलते हैं। बड़ी हमारी चैन बड़ी है, सारा अपन देख रहा है हंगर गेम्स, एंजॉय किया जा रहा है, बस हो चुकी है खाली, अपन पहुंच चुका है अहमदाबाद, तो बस उतरने लगा हूँ, रमजा आ रहा है, इतने कॉल्स किया कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था, पर अभी मेरी कॉल शॉल उठा लिया, रमजा शमजा आ रहा है, चलते हैं घर, और भूख चुक लगी है, दवाई भी खानी है, भूख चुक टांग शुगर है ठीक है, रात को जब मैं गोली खाई उसके बाद तो ठीक है, लेकिन अब पता नहीं इसका क्या बनेगा, चाहे आओ एक दिन के लिए चाहे आओ महीने के लिए, होम स्वीट होम ही होता है, जो मर्जी कर लो, इसी में लो रहता हूँ, लेकिन अहमदाबाद है भाई यार, बहुत ज़्यादा ठंड है, रमजान का पेट हो रहा है, रमजान आता है निकलते, बट बहुत ठंड है यार, बहन बड़ी बड़ी है, तो वैसे तो पता चल जाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो, तुमको तीसरे में तुम टोटम में पहुंचा हुआ है, ये देखो बहुत अच्छी का पैसों पैसों का भाई आया है, पैसों का भाई है, कहता है पैसे लेकर आई वरना छुट्टी कर, पुनीत भाई अस्सलाम वालेकुम हबीबी, कैसा होती यार, कहां कहां घूम रहे थे यार, गरीब बंदों को लोहर भेज दिया और गरीब बंदे उधर जाकर मिल भी नहीं पाते आपसे, गरीब बंदे यहाँ देख रहे हैं कि ठंड है यार, वैसे भी लाहौर में भी बड़ी ठंड है, और लाहौर के अंदर ठंड तो फिर बहुत मजे वाली है, यहाँ इससे थोड़ी सी ज्यादा कहते हैं, बहुत ज्यादा यार इधर ज्यादा, लाहौर से कह सकते हो इतना तो भाई बनता है लाहौर का, होम स्वीट होम प्लस होम, गलियां वाला होम, गलियां स्वीट गलियां भैंस की, तुम लोर में जब गली चलाता हूँ, गलियों में बाइक चलाता हूँ मजा ही नहीं आता है, मेरी अपनी गली तो फिर अपनी होती है, अपनी खतरनाक सीढ़ियां इस बैग, वैसे मैं एक दो दिन के लिए आया हूँ सिर्फ, अभी आया हूँ और परसों चले गया मैंने, और मैं गिर रहा हूँ, अगर छूट गया ना सीढ़ियों पर चलने की, बट ये आए सो भाई सो दरवाजे, ओए होए होए ओ माई गॉड दिस इज माई होम, आई एम बैक अगेन फॉर 1-2 डेज, आई इतनी भी ठंड नहीं है बहन, इतनी भी ठंड नहीं है, इधर उधर से जान छोटी इधर आ गया, उधर जान छोटी इधर आ गया, भूख पर सेक लगी हुई है, अभी हम जा रहे हैं दाबुड़ी खाने के लिए, लेट्स गो बॉयज, ऐसा शदेव है, शदेव कहता मुझे वीडियोस में लेके नहीं आना, लेकिन हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कीड़ा है बहुत बड़े वाला, फिलहाल हम खाना खाने के लिए आए हैं, न्यू आते स्वीट्स के अंदर, शदेव पूड़ियाँ खिला रहे हैं, क्यों शदेव तू खिला रहा है ना, हाँ मैंगो खिला रहा चने, यम यम, अभी पूड़ी आने वाली रहती है, पूड़ी आती है फिर आपको सड़ाता हूँ, ये फूली हुई क्योंकि मुझे भूख लगी है, इसे कहते हैं देसी टिश्यू से हम हाथ साफ कर रहे हैं, लेट्स गिव माय फर्स्ट इनकम टू माय फादर, बाबा जानी मेरे जिंदगी की पहली कमाई सारी आपके अकाउंट में ट्रांसफर, नो रिएक्शन, ये मैंने सारे पैसे अपने बहाजूर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जो जिंदगी में पहली दफा कमाया है मैंने, कितने ट्रांसफर हुए 14,000 था, 14 का 14 भेज दिया, कमाया इतना भी सिर्फ, थैंक यू जी मेरा बेटे ने पहली, मैं पूरा आ गया,
हराम के पिल्लों ने भाई साहब अपनी बारबेक्यू शारबेक्यू कर दी, और कहते हैं हमजा को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो खाना खा जाता है फ्री का। क्या मैं फ्री का रहता हूं? पैसे डालोगे ना पता चलेगा। अभी हमारा प्रोग्राम बन चुका है भाई साहब ऑशन जाने का, तो अभी हम लोग ऑशन के लिए निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मैं आपको मौसम दिखाता हूं। वो देखो भाई साहब लाल लाल गोरन गोल्ड ब्राउन ब्राउन हो गया। फिलहाल हम पिज्जा के लिए निकलते हैं, पिज्जा उधर खाते हैं। अब्दुल्ला कहता है चीज़ें खिलाओ, मेरे पास पैसा मुक गया है आपके सामने है। सो अब पैसा पूसा नहीं है, तो अब मैं किसी को कुछ भी नहीं खिला रहा। अब मैं अगले महीने कुछ कमाऊंगा तो फिर किसी को कुछ कमाऊंगा। हम आ चुके हैं अपने प्यारे ओशन नाम सामने लिखा हुआ, मैं ओशन आपको दिखा रहा। सड़ाना जरूर था, सड़ाने वाला काम पर फर्स्ट पे होता है, लेकिन उन्होंने स्पेशल शाहजेब के लिए लिख दिया कि भाई बच्चे वगैरह इधर लाना ना हमारे, क्योंकि इसकी शक्ल ही लाने वाली है। ये हमारा आ चुका है पिज्जा प्रो मैक्स। इसको लाहौर जाकर वैसे मैंने मिस किया था, जो मर्जी खा दो, लेकिन पिज्जा वाला पिज्जा वाला है। इट इज व्हाट इट इज। सबसे पहले तो पिज्जा हम खाएंगे। ओ लल्ला जी, इसके अंदर 18 पीस होते हैं भाई साहब। आए पिज्जा इसको टेस्ट करेगा अपन 500 साल बाद। चार चार नहीं है, 4 8 12 16 तो पिज्जा जैसे तो दो एक का एक मेरा 16। अच्छा पैसे हम बहुत छोटे हैं। इसे कहते हैं हैशटैग फूड कैंची लवर, नहीं फूड लवर नहीं, उसको क्या कहते हैं फूड किलर। तो एक बात कहनी है मैंने, रमजा रात को 12:55 पे तो बाथरूम ना जाए वरना अगले साल बाहर आएगा। छोटी बच्ची हो क्या? मेरे शूज बहुत ज्यादा गंदे हुए थे, तो पानी शानी रमजा को क्या लेकर आ, रमजा इसको धोएगा अच्छे तरीके से और हम महाराजों की तरह बैठेंगे। भाई साहब दिखा रमजा कितना गंदे है शूज, सुखत शूज दिखा शूज। ये देखो भाई इधर से क्यों दिखा रहा है, किनारे दिखा किनारे, देखो कितने ज्यादा गंदे हुए हैं, देखना रमजान इसको चिट्टा कर देगा। और गंदे की तक भी लोग बस चले और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब्दुल्ला की तरफ से मैसेज आ चुका है, अब्दुल्ला को हम लेके चलते हैं चाय शाय पीने के लिए, लेट्स गो। मैं अब्दुल्ला के जा रहा हूं। अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं, कटमट कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला साहब कहते हैं मैं खुद काम करूंगा, तो मैंने कहा अच्छी बात है काम करना चाहिए। ये शीशा शीशा इसने पेच पुछ लगाए हैं, एक पेज कम पड़ा था तो वो नीचे ना पेच से निकल गया। अब्दुल्ला आता है पेच लगाते हैं, उसके बाद से चलते हैं। एंड वी आर बैक अगेन इन सनी गार्डन विद अब्दुल्ला निसार। अब्दुल्ला प्रिपेयर है नहीं क्योंकि वो दुबई भाग गया हमको बताए बगैर, लेकिन अब्दुल्ला निसार इज हियर ब्रा। सो वी आर हियर टू ड्रिंक चाय, टेक टी होता सॉरी टेक टी। ओह चाय हुजूर इज हियर, वो लग बात है मैं पीता नहीं हूं बट चाय हुजूर इज हियर। यार शुरू कर दे व्लॉगिंग यार, क्या एक जमाना था सिर्फ तू व्लॉगिंग करता था, तू मुझे कहता था कर ले शुरू कर ले शुरू। और आज सपना टू मोए भाई साहब हमने ये वाला चॉकलेट केक किधर है, आ जा यार नजर आई। ये हमने एक कोन का केक लिया, न्यू ईयर एंजॉय करेंगे इसके साथ भाई साहब। हम लोग आ चुके हैं जी हमारी 49 पे, मैं अब्दुल्ला के साथ घूम भी आया हूँ, बाकी बचा बड़ी आए हुए हैं। भाई बच्चे ने फुल फ्लेक्स में आके लार्ज पिज्जा ऑर्डर कर दिया और पैसे पूरे इनके पास है। एक और साल गुजर गया चला गया, जैसे हम लोगों को पता है मैं 2 साल बीच में क्विट भी रहा, स्किप भी किया मैंने सारा कुछ। उसके बाद फिर कुछ दोस्तों वगैरह के कहने पे आकर मैंने भाई चैनल शुरू किया कि भाई दोस्त वगैरह कहते हैं व्लॉगिंग करो, फिर व्लॉगिंग के साथ थोड़ी अटैचमेंट वगैरह हो गई, फिर खुशी सी होने लगी। लोग तो 100 का मतलब पता है कि मेरे कहे बगैर 80-100 बंदे मुझे देख रहे हैं लगातार। सबसे पहले तो वो जो 80 और 100 और 50 जितने बंदे हैं जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए तो स्पेशल थैंक यू है ना, उनके लिए तो लव यू सो मच हो गया जो भी है ठीक है। बाकी 2023 चला गया, 2024 आ चुका है, इस साल हमने अचीव करना है कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में ठीक है। कुछ ना कुछ का मतलब है कि हमने अपनी फैमिली को बड़ा करना है, यूट्यूब फैमिली को, उसके बाद हमने अचीवमेंट्स करनी है, हमने साल वायरल होकर रहना है।
और आप लोगों ने साथ देना मुझे वायरल होने के लिए, ठीक है? ऐसे में वायरल हो नहीं सकता, इसने वायरल करना है, आप लोगों ने वायरल करना, जल्दी से वायरल करो, सब्सक्राइब करो, मिलके हम लोग आगे जाएंगे, आप सबको मिलकर से हैप्पी न्यू ईयर। बेशक ये अंग्रेजों का साल है, जो मर्जी है, हमारे लिए तो इस्लामिक साल न्यू ईयर होता है, हमने तो इसको थोड़ा इंजॉय कर लिया ताकि आप लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हमारे साथ जो हमें देखते हैं, हम सब के लिए इक्वल सब साल रखा जाए, तो इसलिए हमने इसको भी थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। और रमज़ान का आपको पता है फिर थोड़ा दुख से महीना स्टार्ट होता है, लेकिन न्यू ईयर तो वो भी होता है, उसकी सेलिब्रेट मतलब दिल से खुशी आप लोगों को मुबारकबाद देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दो इजाज़त, ये था आज का ब्लॉग, 2024 में हमारी हो चुकी एंट्री, 2024 हमारे लिए इंशाल्लाह वायरल का सहारा होगा, मिलके एक दूसरे को वायरल करेंगे और इंजॉय करेंगे पूरे साल, ब्लॉगिंग आती रहेगी, इंजॉय होते रहेंगे, साथ दीजिएगा, मिलके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।